नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई अपडेट में। दोस्तों आज की जो हम नोटिफिकेशन लेके आए हैं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से, दोस्तों यहां पर आपके जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है। इसमें आप बीई बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको यहां पर 20,000 से ज़्यादा मिलने वाली है और आप ऑल ओवर इंडिया से इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो क्या क्राइटेरिया होने वाला है, कौन कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल रहने वाली है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट रखी गई है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। उन सभी की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ पर सभी PDF सभी लिंक्स वगैरह आपको आसानी से मिल जाती है, और जो वीडियो हम नहीं बना पाते हैं उनकी भी लिंक्स आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाती है ताकि आपको नोटिफिकेशन एटलीस्ट पता लग सके। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर से ही आपको अप्लाई करना है। सभी चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही अटेंड करना है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक और इसकी PDF के लिंक, अप्लाई करने की लिंक आपको आसानी से मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से सभी चीज़ों को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से सभी चीज़ों को यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रही इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली है आप पर देख सकते हैं कि तकनीक सहायक, मतलब यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकली है, यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए भी वैकेंसीज रखी गई है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज है। साथ साथ यहाँ पर ग्राम रोजगार सेवक के लिए भी वैकेंसीज प्रोवाइड की गई है। ठीक है ना, तो आपको हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा दोस्तों, जिसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं जरूर से आप अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की, जिसमें आपके लिए यहाँ पर 5 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर 15 वैकेंसीज है। लेखा सहायक मतलब अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी का क्राइटेरिया है, और कंप्यूटर सहायक मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी है, और ग्राम रोजगार सेवक के लिए यहाँ पर 27 वैकेंसी है। वैकेंसीज कम है लेकिन आपको अप्लाई यहाँ पर जरूर से करना है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको आवेदन किस तरीके से करना है। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, आपको इसी पर जाकर ही सभी चीज़ों को करना है। बात करते हैं हम यहाँ पर कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर मांगी है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से आपने सिविल में BE या BTEC किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं, यदि आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से यदि आपने MTEC किया हुआ है, PGDCA किया हुआ है, MCA किया हुआ है तो भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। यहाँ पर यदि आपने किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से सिविल में डिप्लोमा किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने यहाँ पर BE BTEC भी किया हुआ है, BSc भी किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी बढ़िया वैकेंसी से अलग अलग सिंपल क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है, किसी प्रकार कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। दोस्तों लेखक सहायक में यदि हम बात करते हैं तो यदि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर किसी इंस्टीट्यूट से BCom ऑनर्स किया है या आपने 55% उसमें प्राप्त किए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर सहायक के लिए भी वैकेंसी से जिसमें BSc कंप्यूटर ऑनर्स वाले या फिर जनरल वाले या BCS प्लेन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि दोस्तों आपको सिर्फ डायरेक्ट अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्राम रोजगार सेवक के लिए। इसमें भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज से यदि आपने ITI किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, मैट्रिक परीक्षा दी हुई है तो आप आसानी से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम 18 साल रखी गई है आपकी यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज, तो अन्य जो कैटेगरी के यहाँ पर 35 वर्ष, और OBC के लिए यहाँ पर 37, महिला वालों के लिए यहाँ पर 38, और SC ST वालों के लिए यहाँ पर 40 ईयर्स का क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। बात करते हैं कि यदि आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो कितनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपको मिलेगी 19,000 से ज़्यादा। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के लिए आपको 17,000 से ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर 10,000, कंप्यूटर के लिए भी आपको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं, और ग्राम रोजगार सेवक के लिए आपको 7,500 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, संविदा बेस पर है, कोई भी परमानेंट जॉब आपकी यहाँ पर नहीं होने वाली है। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट का यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर जाना है, और आपकी जो लास्ट डेट होने वाली है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 17 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाली है, शाम 5 बजे तक। तो आपको जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करना चाहिए। ये है इनका एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इसको फिल आउट करके इसको आपको वहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको सारी प्रोसेस यहाँ पर
मैंने आपको बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर हिट करें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिल सके, उनको भी पता लग सके कि ग्रामीण विकास में नई वैकेंसीज निकली हुई है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी वैकेंसीज है बहुत कम लोगों को पता लग पाती है, ठीक है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, इसलिए आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, सभी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, एक बार जरूर चेकआउट करें आप। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।